तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं होते हैं। सिंपल सी बात है कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन ये सब हैं क्या, कोई बताएगा, कुछ बताना चाहेंगे? पीरियोडिक टेबल देखते ही आपके दिमाग में आता है ना वो जैसे यहाँ पर लिखा होता है कुछ ऐसे सिंबल लिखे होते हैं हाइड्रोजन इधर यहाँ हीलियम फिर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियॉन ये इस तरीके के सिंबल बने होते हैं। क्या ये चीज़ें क्या बता रही हैं? एक शब्द में बताते हैं, जैसे आपने कभी 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 भी बुक या कॉपी में देखा होगा कख गघ ङ ज ञ, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, ये जो लेटर्स हैं क्या हैं? ये लेटर ही मिलकर के कोई वर्ड बनाते हैं और ये वर्ड मिलकर के ही कोई सेंटेंस बनाते हैं। तो एक सिंपल शब्द में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल लेटर्स की तरह काम करते हैं और यही लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं और ये वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस। जैसे 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 CO2 plus H2O will form H2CO3। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट, ये पूरी चीज को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड। इतनी बड़ी बात हर बार रिएक्शन में यही लिखना पड़ना पड़े तो कितना मुश्किल है। तो इसको सिंबलाइज किया, क्या किया, सिंबलाइज किया ताकि हम इसको क्या करें, सिंपल टर्म्स में समझ सके। तो क्या समझ में आया, वाटर को इन्होंने जो है H2O कर दिया। अब H2O या वाटर किस चीज से मिलकर बना, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो सिंबॉलिकली इन्होंने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाना शुरू किया। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि किसी भी जो पीरियोडिक टेबल होता है वो एक्चुअली केमिस्ट्री की वोकैबुलरी है, या कह सकते हैं केमिस्ट्री का वो जो एबीसीडी है, राइट। ये हमारी सबसे सिंपल बात रही। अब हम बात करते हैं, अगर हम बहुत छोटे लेवल पर बात करें तो जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए, एक कहा गया मेटल और एक कहा गया नॉन मेटल। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी शो करते थे और नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी शो करते थे, इनको मेटलॉइड कहा गया। क्या कहा गया, मेटलॉइड। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं एलिमेंट का, दैट इज कि एलिमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, एक कहा गया मेटल और दूसरा कहा गया नॉन मेटल। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या बताया गया भैया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इनके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, जो भी दानवीर कर्ण होता है वो दानवीर आदमी को दुनिया किस नजर से देखती है, पॉजिटिव नजर से देखती है, अरे बड़ा भला इंसान है। हा? तो इसी तरीके से जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटल का अपना कुछ जो है शाइनी होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये जनरल टर्म है। अच्छा, कौन सा एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट में होता है, मर्करी, और एक और है गैलियम, ठीक है। चलिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जनरली किस किस स्टेट में होते हैं, या तो गैसीय स्टेट में होते हैं या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब इनका जो नेचर होता है वो नॉन शाइनी होता है, जैसे ये बोर्ड देखो, ये अब इसके ऊपर प्राइमर लगा इसलिए शाइन कर रहा है। जनरली क्या होता है, वुड वगैरह शाइनी होता है कि डल होता है, डल, ठीक है। तो क्या होता है, नॉन शाइनी या डल। इसके बाद ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सिर्फ एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। और इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना, लेना, इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे होते हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। तो ये किसी तरह बिहेव करेंगे, एनायन। नोट करिए, जिसको लगे तेज पढ़ा रहा है बता देना। चलिए फाइन, जिसको भी कहीं पर भी दिक्कत हो आप बिल्कुल इत्मीनान से मुझसे पूछिए, सावंत रुको और ये बताओ। हाँ चलिए, अब यहाँ पर बात आती है, एक साहब थे जिनका नाम था लेवाजियर। क्या था, लेवाजियर। लेवाजियर हाइपोथेसिस हमारे उतने काम की नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्राउट से। तो सबसे पहले लिखिए प्राउट हाइपोथेसिस।
प्राउड साहब थे, और प्राउड साहब बहुत हीरो आदमी थे। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट बने हैं वो सब हाइड्रोजन के आइसोटोप से बने हैं। किससे बने हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो कहा गया कैसे? तो कहेंगे सर, उन्होंने कहा अच्छा तुमको हीलियम के बारे में पता है? तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? कहें दो। कहें हीलियम का एटॉमिक मास कितना? कहें दो। कहें अच्छा अब तुमको मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा सिखाइए। तो कह रहे थे कि ऐसा करो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। जो ड्यूटेरियम होता है दैट इज 1H2, मतलब उसका एटॉमिक नंबर एक होता है लेकिन एटॉमिक मास दो होता है। तो प्राउड साहब ने हमसे बोला सावंत ऐसा है दो ड्यूटेरियम ले लेना और उनको मिला लेना। तो जो दो ड्यूटेरियम है ये बिल्कुल एक हीलियम के बराबर होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1+1 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है? 2। उन्होंने कहा एटॉमिक मास कितना है? मैंने कहा 4। कह रहे चलो देखो जरा ड्यूटेरियम का कितना है? कहें 2। कहें कितने ड्यूटेरियम? कहें 2। तो 2 2 जा 2 2 जा 4। तो कह रहे हमने कहा ठीक है सही कह रहे होंगे, आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो ठीक है। तो उन्होंने कहा सावंत ऐसा है कि जितने भी एटॉमिक जो भी एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, जैसे अब क्या जो भी एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन से। एन का मतलब क्या है कि कितने हाइड्रोजन आग लगेंगे उसको बनाने में। तो यही एक एग्जांपल दे पाए, उसके बाद ये चलेगा, हमने इनकी बात ही नहीं मानी। तो इन्होंने क्या बताया कि दो ड्यूटेरियम को मल्टीप्लाई करोगे तो हीलियम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी बात पर विश्वास मत करिए, सब फालतू बातें कर रहे थे, नोट कर लीजिए। नहीं तो ये अगर ऐसा होने लगता तो एक हीलियम और एक और हाइड्रोजन लेकर के आते और कुछ और बना लेता। कहते एक हीलियम ले लिया और 1H1 ले आए तो कहीं बोरॉन बना लिए, चलो बेरिलियम बना लिए, चलो। अरे ये सब फालतू बातें हैं, बस नोट कर लो। कुछ लोगों की गलतियां पढ़ना भी जरूरी है। नोट हो गया बेटुआ? चलो आगे बढ़े? नहीं बढ़े तो हमको आगे बढ़ने से रोक रही है। और किनारे ओके डन ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब अगली हाइपोथेसिस है किसकी? डॉब्रेनर ट्रायड रूल। डॉब्रेनर साहब ने क्या दिया? ट्रायड रूल दिया। तो डॉब्रेनर साहब क्या कहते थे, जैसे ये तीन बच्चे बैठे हैं, ये बैठा है सुनील, ये बैठा अक्षत, ये बैठे सोनू मोहित। तो कौन कौन बैठा है? सुनील, अक्षत और मोहित। तो डॉब्रेनर साहब ये कहते थे, मोहित के बारे में हमको नहीं पता, तो डॉब्रेनर साहब अगर होते तो वो कहते सुनील और अक्षत की जो प्रॉपर्टी है उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज प्रॉपर्टी किसकी है? मोहित की। तो यही बात डॉब्रेनर साहब कहा करते थे कि अगर तीन एलिमेंट, एडजेसेंट तीन एलिमेंट को ले लिए, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिसे एक एग्जांपल है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ट्रायड में कहा कि ट्रायड का मतलब होता है तीन का समूह। कितने का समूह? तीन का समूह। और इन्होंने एक बात बोली थी कि ट्रायड में जब एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है, इन ट्रायड ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। और इसके बाद इन्होंने लिखा कि प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर सोडियम है, रुका चल पेन का कलर चेंज कर दे ताकि तुम लोगों को सुंदर दिखे। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सोडियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ब्रोमीन है, इसी तरीके कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में स्ट्रॉन्शियम है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो पहले और तीसरे एलिमेंट की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है उसी की तरह होगा। मतलब दोनों की, जैसे अब बात आई चलो कोई एक प्रॉपर्टी बता दो सावन, मैंने कहा कुछ भी पूछ लो, कहे अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि ऐसा करो एटॉमिक वेट बताओ। क्या बताओ? मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा लिथियम का एटॉमिक वेट ले लो, पोटेशियम का एटॉमिक वेट लो, दोनों को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही किसका आएगा? सोडियम का। और ऐसा सत्य साबित भी हो गया, लिथियम का एटॉमिक वेट होता था 7, पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़ा और उसके बाद दो से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 23। और आपको विश्वास नहीं होगा 11Na23 होता है, होता है कि नहीं होता है? तो 23 आ गया। तो कहे हमको सब कुछ सच लगने लगा। फिर हमसे किसी ने पूछा तो हमने कहा चलो अच्छा देख लो जरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले लो। मैंने कहा ले लिया। कहे क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना? तो कहने 35.5। मैंने कहा आयोडीन का कितना है? 127। कहे दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। जब दोनों को जोड़ा आधा किया तो 81.5 और 2.5 है। तो हमने कहा इसका एवरेज निकाल लो, तो कहे 80। हमने कहा यही तो होता है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट।
इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम लिया, तो कैल्शियम एटॉमिक वेट 40 होता है, बेरियम का 137 होता है, जब दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया अप्रोक्सीमेटली 88.5। तो हमने कहा इसकी भी एवरेज ले लो तो आंसर आ गया। जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट आ रहा था 87.6, तो मैंने कहा यार एक दो ऊपर नीचे तो होगा ही, ठीक है, लेकिन ये बात हर जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो दो ही तीन एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं थी, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आयनीकरण ऊर्जा या आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिथियम और सोडियम की कितनी है, तो कहेंगे सर एक की है 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे की कितनी है 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कह रहे हैं तो सोडियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। तो वही डॉबरेंद्र साहब एक बात बोला करते थे, दोनों का एवरेज निकाल दो जो वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू होगी, यही बोलते थे ना डॉबरेंद्र, देखो ना कह रहे थे जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सेंटर मिडिल वाले एलिमेंट की वो किसकी इंटरमीडिएट होती है, तो पहले और आखिरी के इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, यही तो बोलते थे। चलो एक सवाल और लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरीन और आयोडीन का कितना कितना है, तो कहेंगे सर 19 डिग्री सेल्सियस और 61 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल ये है कि ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्या निकला हम लोगों का कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना था ब्रोमीन का, तो दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ा, दोनों का टेम्परेचर जोड़ा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो भैया 19 प्लस 61 कितना होता है सर 9 और 1 10, ठीक है 6 7 1 8 80 बटे 2 कितना आ गया नमान, बताया था ना एक बार, एक लोग एक बात बताया था मैं अपने नानी के घर था, नाना जी की मेरे रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के इस तरह मतलब एकदम कॉर्नर पे ही मैं खड़ा था, सड़क उस पार एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, तो गांव वाले बड़ा खतरनाक नाम रखते हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है हेलो हेलो आवाज आ रही, तो कह रहे नहीं, तेज से चिल्लाया हेलो हम कल्लू बोल रहे हैं। अब सच में था, मतलब ये हमारे लोग के शर्ट का कलर ही था समझो, तो गांव वाले से बताया था ना हमारे गांव में एक छोटी सी बच्ची है उसका नाम लाल मुनिया रख दिए सर, और मतलब जब मैं छोटा था तब वो भी छोटी थी तो उसका नाम सब लाल मुनिया रख दिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे उसकी शादी थी और ये पूरे गांव को बोला गया था कोई इसको लाल मुनिया नहीं बुलाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस थे कि बारातियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग पूछते किसकी शादी, लाल मुनिया दीदी की शादी। उसका ओरिजिनल नाम बहुत समय बाद पता चला कि कीर्ति थी, कोई नाम था उसका ओरिजिनल, पता पूरा गांव उसको लाल मुनिया जानता था, तो ये सब बड़ा खतरनाक होता है गांव में। एक बात थी लोदर मेयर साहब थे, क्या नाम थे, लोदर मेयर, ठीक है, तो लिखिए लोदर मेयर कर्व। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, केवल जितनी बात बोलूंगा सिर्फ उतना ही लिखना, सब नहीं लिखना, लिखा है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, सबसे पहली बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन, तो लिखा है कि जब कभी भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, मतलब देखो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, ठीक है, तब तो जब कभी भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया गया, तो ये देखा गया कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो बार बार रिपीट कर रही थी, तो यहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टी थी वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पाया गया कि जो एल्कली मेटल थे, कौन थे एल्कली मेटल, कौन कौन से एल्कली मेटल होते हैं, कोई खड़ा हो बता दे, हाँ बताओ नाम बताओ, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन हटा दो, और हाँ लीना कराबी कब से फरार, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, तो लिखा हुआ है कि किसी भी जो कर्व था, ये जो कर्व था इसमें ये बोला गया कि जो लोदर मेयर कर्व है, क्या है, लोदर मेयर साहब का जो कर्व है इसके पीक पर एल्कली मेटल को लगाया गया, किसको लगाया गया, एल्कली मेटल्स को, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और उसके बाद लिखा गया कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्केलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट, क्या नाम था, तो कहेंगे बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, तो इनको जो है नीचे की पोजीशंस पर देखा गया, कहाँ देखा गया, डिसेंडिंग पोजीशंस पर, इन पोजीशंस पर, देखो
किसी भी स्लोप में ये वाला इंक्रीजिंग होता है, ये वाला डिक्रीजिंग होता है, और ये टॉप होता है। तो डिसेंडिंग स्लोप्स में देखा गया, ऐसे अगर था तो यहाँ देखा गया, यहाँ देखा गया और यहाँ देखा गया। तो ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरी बात लिखी हुई है कि जो हैलोजन्स थे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको जो है इस जगह पर देखा गया, इस जगह पर देखा गया, इस जगह पर, मतलब स्लोप के बढ़ती हुई क्रम के यहाँ पर। इसी तरह का ये वाला स्लोप है तो यहाँ पर, ये वाला स्लोप होगा तो यहाँ पर। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, ये तीन बात। तो देखो यहाँ पर देखो, अब देखो देखो जरा, देखो जरा, आओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्कली मेटल है, है? अरे मतलब आप खड़े हो जाते हैं। किसी भी कर्व में जो सबसे पीक है, हर कर्व का जो पीक है वहां पर क्या देखने को मिलेगा? एल्कली मेटल। इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये कर्व का डिक्रीजिंग स्लोप है ना, ऐसा स्लोप है डिक्रीजिंग। तो कर्व के डिक्रीजिंग स्लोप पर एल्कलाइन अर्थ मेटल दिखा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और वापस से कर्व के इंक्रीजिंग स्लोप पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखा, मतलब हैलोजन दिखा। तो यही लोदर मेयर देख लिए थे, ओके हम बताएंगे। हाँ, तो लोदर मेयर साहब ने आपको बनाना है, कह रहे हैं ये तो एक बड़ा टफ टास्क है, ऐसे कौन बनाएगा? कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बनाएगा, हम लोग कैसे बनाएगा, हम लोग ऐसे बनाएगा। हाँ, सिखा रहे हैं सर, सावन तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, हमारे लिए आसान है ना, आप ऐसे बनाइए। और यहाँ पर पीक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम लगा दीजिए, यहाँ लगाइए बेरिलियम, मैग्नीशियम और इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम बना दीजिए, और यहाँ पर लगाइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन बना लीजिएगा। ठीक है, यहू देख लेना भैया किसके किसके बीच में है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। आया? नोट कर लीजिए ये पॉइंट, लिखिए। तो क्या लिखा है? एल्कली मेटल हमेशा टॉप पे रहेंगे, एल्कलाइन मेटल हमेशा डिसेंडिंग पोजीशन पे रहेंगे, और हैलोजन हमेशा एसेंडिंग पोजीशन पे रहेंगे। यही नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लिया। चलिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, तो लोगर मेयर साहब ने किसके किसके बीच में जो है ग्राफ किया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल, और कुछ इस एलिमेंट की बात हम लोगों ने नहीं की, दैट इज मेटलॉइड। क्योंकि जो कर्वेचर है, इसके इस जगह पर मेटलॉइड आएगा। ठीक है, तो बची हुई जगह पर मेटलॉइड लगा देना, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, इस तरीके से जर्मेनियम। ठीक है, एक बात लिखी हुई है कि लोदर मेयर कर्व के जो है हाइपोथेसिस से जो हम क्या निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो पीक पे है तो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, डिसेंडिंग पे है तो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, नॉन मेटालिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर असेंडिंग स्लोप पे है। समझ रहे हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सारे गामा पा वाला, हाँ, म्यूजिकल वाला। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड म्यूजिकल लॉ भी हम इसको कहते हैं, और ये 20 एलिमेंट तक ही वैलिड था। तो इनका कहना था कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। चलो लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज का सेशन मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर द क्लास।